नमस्कार, ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई लोग होते हैं उनकी सारी उम्र निकल जाती है शिव पूजा करते हुए, और वो बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं परंतु उनको कोई परिणाम नहीं निकलता। उनका जीवन में कोई सुख नहीं आता है, टेंशन रहती है उनके जीवन में और उनके काम नहीं बनते हैं। इसका क्या कारण है कि इतनी पूजा करने के बाद भी उनके परिणाम जो पूजा के आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं? वैसे कारण तो बहुत सारे होते हैं, परंतु एक जो सामान्य कारण है उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगी। तो अगर आप भी इसी टाइप से करते हैं, पूजा करते करने के लिए जाते समय, तो आप देखिए कि आप ये गलती न करें। शिव की पूजा हमारी सार्थक हो, इसके लिए जब भी हम घर से निकलते हैं तो हम चप्पल पहन के जाते हैं। तो जब हम शिव पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम चप्पल को बाहर खोल देते हैं और अंदर जाके पूजा करते हैं। जितनी भी देर हम पूजा में रत रहते हैं, हमारी चप्पल बाहर ही रखी हुई रहती है। और जो भी लोग मंदिर में आ रहे हैं वो हमारी चप्पल को लांग करके मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, और जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है तो हम बाहर आके वो चप्पल पहन के और बहुत खुशी खुशी घर आ जाते हैं और फिर उस चप्पल को खोल के अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। अधिकांश लोग इसी टाइप से जाते हैं मंदिर और फिर इसी टाइप से घर आ जाते हैं। भविष्य पुराण जो भगवान, उसमें ये लिखा है फ्रेंड्स कि जो भी व्यक्ति शिव पूजा के लिए मंदिर से बाहर चप्पल खोल के जाता है और अंदर भगवान से प्रार्थना करता है और भक्ति भाव से पूजा करता है, परंतु उसकी जो बाहर पड़ी हुई चप्पल है उसको जितने भी लोग उसको उंगाल के लांग के मंदिर में आ रहे हैं ना, तो जितने लोग उसको उंगाल के लांग के या उसके ऊपर पैर रख के निकल रहे हैं, उन सभी लोगों का दुख और संकट उस चप्पल पहनने वाले पे आ जाता है। अब जो चप्पल बाहर खोल के गया है वो तो भक्ति भाव से पूजा में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि दूसरे लोगों के संकट भी, दूसरे लोगों के दुख पीड़ा और उनके घर के टेंशन भी उसके जीवन में आ रही है। वो तो शिव पूजा में अपने भक्ति भाव से लगा हुआ है इस जानकारी से अनभिज्ञ होते हुए, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि वो ऐसी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति उस चप्पल को लांग के जाएगा उसके सारे संकट उस जो उसने चप्पल वहाँ खोली है उस पर आ जाते हैं। तो जब भी आप शिव पूजा के लिए जाएं, अपनी चप्पल को इस तरह से खोलें कि उसके ऊपर पैर रख के कोई न जा पाए या उसको लांग करके कोई न जा पाए, क्योंकि जितने लोग लांगेंगे उतना ही आपका कष्ट पड़ेगा। तो भविष्य पुराण में ये वर्णन है कि उस चप्पल को कैसे खोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दूसरों के संकट, दूसरों की परेशानी आपके जीवन में नहीं आए, क्योंकि ये गलती हम कर देते हैं ना, तो दूसरों के संकट आते हमारे जीवन में आते जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हो क्या रहा है, हम तो सब पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सही तरीके से रह रहे हैं, तो इस चीज़ से हमको बिल्कुल ही हमको भान ही नहीं होता हमने ये गलती कर दी। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि फिर जब जीवन में परेशानियाँ आती है तो हम और ज़्यादा भक्तिभाव से भगवान की पूजा करने लग जाते हैं, कहीं कुंडली दिखाते हैं या और भी न जाने कहाँ कहाँ पे जाते फिरते हैं अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए। तो ये बहुत ही साधारण सा तरीका है अपनी परेशानी से निजात पाने का, कि अपनी चप्पल को इस टाइप से खोलें कि उसको कोई भी पैर रखे या उसको लांग करके मंदिर में न जा पाए, जिससे आप दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर लेने से बच जाएँ। ये बहुत ही आसान और सटीक उपाय है अपने जीवन में कष्टों को कम करने का। इसका आप पालन कीजिए, जब भी आप मंदिर में जाएं, न तो किसी की चप्पल को लांगें, न ही अपनी चप्पल को लांगने जैसी स्थिति में खोलें। इसका ध्यान रखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनका भला हो और उनकी पुण्य भी आपको प्राप्त हो और आपका भला हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका जीवन सुखी समृद्धिशाली बने, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।